जानकी माँ, चाची जी जानकी माँ है। हे भगवान, हमने तो कहा था कि हम पालन जा रहे हैं, अगर वो देख लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें? आप मेरे साथ आइए, जल्दी आइए। दुकान है, कोई नौचंदी का मेला थोड़ी है जो खो जाएगा। पता नहीं कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा। अरे जानकी, मानस यहाँ पर क्यों आएगा? यहाँ सब लेडीज के कपड़े हैं। नहीं जी, मैंने देखा है उसको यहाँ पर आते। अरे किसी और को देखा होगा। नहीं, बिल्कुल वही कदकाठी, वही सूरत। अच्छा, हम मानस के लिए कुछ लेने आए थे ना, यहाँ तो मिलेगा नहीं, चलो कहीं और देखते। What is this मानस? उस दिन तुमने मुझे कार में बंद कर दिया था और आज ये ट्रायल रूम में। क्या करूं यार, ये बुढ़िया यहाँ पे आ गई है। अरे कहीं इसने जीपीएस तो नहीं लगा दिया मेरे पीछे, कहीं ये मुझे फॉलो तो नहीं कर रही। मानस, कौन बुढ़िया? एक ही तो बुढ़िया है, मदर इंडिया, मेरी दादी। यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं तो ऑडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकती हूँ। अरे बात ही तो खत्म नहीं करते ये मेरे घर वाले, चिंगम की तरह खींचते रहते हैं हर मैटर को। पका डाला है यार, तो मेरा काम अटका हुआ है इसलिए मैं झेल रहा हूँ उस बुड्ढी को, वरना मेरा मन करे ना तो धक्का दे दूं उसको, उसकी कमर और अकड़ दोनों टूट जाए। सिर्फ वो बुड्ढी मदर इंडिया होती ना तो मैं हैंडल भी कर लेता। एक से एक नमूने हैं मेरे घर में, और उस बुड्ढी का वो बुढ़ा पति, कौए जैसी शक्ल और कबूतर जैसी अकल, हर बात में हाँ मिलाता रहता है बुड्ढी के। काँव काँव हाँ हाँ, मन तो करता है ना मुंह में टेप लगा के उसका मुंह बंद कर दूं, और उसके बाद मेरी वो छोटू दादी क्या है क्यों है नो आइडिया, मरीज की तरह पड़े रहते हैं सैड टाइम। अरे जिंदगी क्यों है, मर क्यों नहीं जाते यार ये? तो कर चक्कर के थप्पड़ मारो इसको, ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकता है? घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद होते हैं घर के, कैसे बकवास कर रहे हैं उनके बारे में। अरे वो मेरी छोटी चाची, जितनी मोटी शक्ल उतनी मोटी अकल, स्टूपिड डम एक नंबर की। हाँ तेरी तो वहाँ बेटा, कल मैं तुझे मोटी मोटी मिर्ची के पराठे खिलाती हूँ, जीभ जल जाएगी ना तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। अरे जब फोन नहीं उठा रहा हूँ तो बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? नहीं है पैसे, नहीं ले पाऊंगा तुम्हारी फ्रेंचाइजी, रखो फोन। अक्षय जी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार एजेंसी मिल गई तो साल भर की कमाई महीने में होने लगेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। अरे 3 लाख का मुंह मत देखिए, आज किसी तरह से पैसे दे दो, फ्रेंचाइजी दिलवाने का जिम्मा मेरा, फिर दोबारा फोन मत करना। देखिए ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आप बहुत लकी हैं आपको मिला है। ऐसे तो मिलने से रहे, क्या करूं, इसे गिरवी रख दूं, फ्रेंचाइजी मिलते ही पैसे कमा के छुड़ा लूंगा। पर जानकी मां से एक बार पूछ लेना चाहिए, उनकी शादी का हार है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, किससे पूछूं। एक काम करता हूं, अपनी वो सोशल मीडिया वाली फ्रेंड से पूछता हूँ, कभी कभी बाहर वाले अपनों से बेहतर राय देते हैं। मैं जो करने जा रहा हूँ अभी सबको गलत लग सकता है, लेकिन आगे चल के मेरा और परिवार का फायदा होगा, क्या करूँ? चाची जी, मैसेज बाद में देखिएगा, अभी इसकी बातें सुनिए, कैसे जानकी माँ के बारे में बकवास कर रहा है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अभी तक रिप्लाई नहीं आया, कहीं व्यस्त होगी। छोड़ो ना, इतना भी क्या सोच रहा हूं मैं, सब अपना फायदा देखते हैं तो मैं क्यों ना देखूं, और वैसे भी ये सब तो मैं घर परिवार के भले के लिए कर रहा हूं। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हाथ से नहीं जानी चाहिए, बस बात खत्म। लीव ना बेबी, तुम क्यों अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट कर रहे हो? मैं तो बस चाहती हूँ कि किसी तरह वो टैरो कार्ड रीडर मिल जाए, मुझे लगता है वो सब ठीक कर देंगे। इनफैक्ट मैं उनसे हमारी शादी की डेट भी पूछूंगी, और उस मौली को तुमसे दूर रखने की ट्रिक भी।
अरे मौली की तुम टेंशन ही मत लो, कल पंडित जी आ रहे हमारे घर पे शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तुम देखना मौली मना कर देगी, स्पेशली होली वाले दिन जो मैंने किया ना उसके साथ, अंदर से घबरा गई होगी और बाहर आके सबके सामने मैंने जो नाटक किया, जो ड्रामा किया, मजा ही आ गया। हाँ नहीं तो क्या, मैं सबकी नजर में अच्छा बन गया क्योंकि मैं रिश्ता जोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, और मौली सबकी नजर में बुरी बन गई क्योंकि उल्टे सीधे झूठे इल्जाम लगा के वो रिश्ता तोड़ना चाहती है, और उसे पता है कि मैं जो सबके सामने बन रहा हूँ मैं ऐसा हूं नहीं। और ये जानने के बाद मौली कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, और यही तो हम चाहते हैं कि कल मौली सबके सामने इस शादी से मना कर दे और सारे घर वाले गुस्सा होकर उसे घर से आउट कर दे। उसके बाद क्या, मेरे डैड तो है ही इमोशनल फूड, उनका फायदा उठा के उनकी सारी प्रॉपर्टी में अपने नाम कर लूंगा, फिर भाड़ में जाएगी अग्रवाल परिवार, और हाँ हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब मैं वो हार शादी से पहले वापस कैसे ला कर दूंगा जानकी माँ को? अको क्या हुआ, सब ठीक? जी जानकी माँ सब ठीक है। चेहरा बता रहा है ये किसी बात से परेशान है, क्या हो गया इन्हें? मोबाइल पे लिख के पूछती हूँ, शायद वहां बात कर ले। अरे इनका मैसेज तो पहले से ही आया हुआ है, देखते क्या लिखा है। मैं जो करने जा रहा हूँ अभी सबको गलत लग सकता है, लेकिन आगे चल के मेरा और परिवार का फायदा होगा, क्या करूं? हे राम जी, क्या गलत करने जा रहे हैं? पूछना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं देरी से जवाब दे रही हूँ, पर आप किस बारे में पूछना चाहते थे मुझसे? जवाब ही नहीं दिया। डैड आई एम रियली लकी कि मौली मान गई। आई नो मानस, बस अब दोबारा उसे अपने से दूर मत जाने देना। सवाल ही नहीं उठता डैड। डैड मैंने तो शादी के लिए, मैं मौली को कैसे स्पेशल फील कराऊंगा, सब प्लानिंग भी कर ली है, ज्वेलरी, गिफ्ट्स, शॉपिंग, कपड़े, मुंबई से उसके और मेरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करूंगा। और इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी ना डैड कि उज्जैन में आज तक किसी ने इतनी ग्रैंड वेडिंग देखी ही नहीं होगी। मुझे लगा कि मानो शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। मौली देखना कैसे खुश हो रहा है। नहीं, ये आशना को भी तो उल्लू नहीं बना रहा है। आशना इतनी भी सीधी नहीं है चाची जी कि उसको कोई उल्लू बना पाए। आई एम प्रिटी श्योर ये सब मानस को आशना नहीं करने के लिए बोला होगा, ये इनका नया प्लान है। तो अब क्या करना चाहिए? वही जो हम पहले करने वाले थे, मानस और आशना को एक साथ लाएंगे सबके सामने और फिर रंगे हाथों पकड़वाएंगे। मेरे पास एक प्लान है चाची जी, अब मेरे साथ चलिए। हम चाहते हैं स्वरा तुम और अजंता मिलकर कुछ मीठा बना लो, इस खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा होना चाहिए। ठीक है जानकी माँ, मैं और तन्वी मिलकर कुछ मीठा बना लेंगे। हाँ ले लो, मुझे किचन से फ्री कर दो। तुम समझ नहीं रही हो स्वरा, हम चाहते हैं कि तुम और अजंता मिलकर कुछ मीठा बनाओ। जानकी माँ पता नहीं क्यों इसे मेरे कंधे पर बेताल की तरह चढ़ाने पे तुली हुई है।
जब सभी रिश्ते वापस ठीक हो रहे हैं तो इनका रिश्ता भी सुधरना चाहिए। टैरोकार्ड वाला बाबा मैं? नहीं नहीं मौली, वो तो बाबा है और मैं महिला हूँ, तो बोल देंगे ना चाची जी कि प्यार से आपको बाबा बुलाते हैं क्योंकि आपने सब पे इतने उपकार जो किए हैं, है ना? नहीं नहीं मौली, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ना ही मैं झूठ बोल पाती हूँ और ना ही अंग्रेजी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आप नहीं बनेंगे टैरो बाबा तो कौन बनेगा चाची जी? मैं बनूंगा। This is not done, Rahul. तुम चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? मिस हायतोबा, अपनी शकल देखो, कितनी डरी हुई हो तुम? मैं क्यों डरूंगी? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मानस ने तुम्हारी बात सुन ली, और मे भी तुम्हें लगा कि उसे पता चल गया, कि तुम्हें पता चल गया कि उसका सच क्या है। देखो तुम बातें मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम छुप के हमारी बातें सुन क्यों रहे थे? आप लोग छुप के प्लान बनाओगे और मैं सुन भी नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम्हारा प्लान सुन लिया, क्योंकि मेरे बिना ये प्लान तो वर्क नहीं करने वाला। सही बात है मौली, हम राहुल की मदद क्यों नहीं ले रहे? एग्जैक्टली ज्योति चाची, मैं सहायता होगा, मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि अगर तुम मानस से शादी करने के लिए हाँ बोल रही हो तो कुछ तो वजह जरूर है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं पूरी फैमिली को धोखा देगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो चाहता था कि तुम शादी के लिए सबके सामने मना करके बुरी बन जाओ, पर तुमने हाँ करके उसका प्लान फ्लॉप कर दिया और अब तुम उसे एक्सपोज करने वाले। मतलब सब कुछ सुन लिया तुमने? यस, वजह भी और तुम्हारा प्लान भी। सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि मुझे भी अपने प्लान में शामिल करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा बालिगे। सही है मौली, ये झूठ और अंग्रेजी दोनों फराटे से बोल सकता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ज्योति चाची, बस कभी घमंड नहीं। मौली मान जाओ ना। ओके, मान गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।